क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच हैमिल्टन में अभ्यास मैच खेला गया और पहले दो दिन के खेल के बाद ही पहले टेस्ट मैच के लिए टीम की तस्वीर साफ हो गई है और इस बार घटिया खेल दिखाने वालों को बाहर किया गया है, तो वहीं पंत की भी टेस्ट टीम में वापसी हो रही है। तो कैसे हुई पंत की वापसी, किसे किया बाहर, किसे मिल रहा है मौका, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस टीम को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो हैमिल्टन के अभ्यास मैच में टीम इंडिया ने जो खेल दिखाया उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। बल्लेबाजी में सिर्फ दो खिलाड़ी ही दमखम दिखा पाए तो गेंदबाजी भी वैसी नहीं रही जैसी टेस्ट की नंबर वन टीम से उम्मीद की जाती है। तो ऐसे में पहले दो दिन के खेल के बाद पहले टेस्ट मैच के लिए टीम करीब करीब फाइनल हो गई है, जिसमें कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। 21 फरवरी से शुरू हो रहे टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल की जगह पक्की है क्योंकि वो रोहित के साथ लगातार खेल रहे हैं, जबकि दूसरे ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ को ही मौका दिया जा रहा है और शुभमन गिल को यहाँ मौका नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं है, और इसके बाद चौथे नंबर पर खुद कप्तान विराट कोहली आएंगे। पांचवे नंबर पर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलने आएंगे। अब छठे नंबर की बात करें तो यहाँ पर हैरानी भरा फैसला लेते हुए हनुमा विहारी को टीम में रखा जा रहा है। जी हाँ, विहारी ने प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया जिसके बाद विहारी ने अपनी जगह टेस्ट टीम में बना ली है। और इसके बाद एक और बड़ा फैसला हुआ है, विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत की टेस्ट में वापसी हो रही है, जबकि रिद्धिमान साहा को फिलहाल बेंच पर बैठाया जा रहा है। और वैसे भी अभ्यास मैच में भी पंत साहा से पहले बैटिंग के लिए आए थे, जिससे वहीं पर साफ हो गया था कि टेस्ट मैच पंत खेलने वाले हैं। अब सिर्फ चार ही जगह बची है तो चार ही गेंदबाज खेलेंगे, जबकि विहारी पांचवे गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे। टीम में स्पिनर के तौर पर सीनियर रवि अश्विन को मौका दिया जा रहा है और रविंद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं मिल रही है, जबकि तेज गेंदबाजी में ईशान पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी और उमेश यादव को रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर टीम बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।